अच्छे समझ आए होंगे ओके और अच्छे से क्लियरिफिकेशन के लिए और अच्छे समझने के लिए मैं आपको इस लेक्चर में दो क्वेश्चन कराऊंगा ओके आइए देखते हैं कैसे करते हैं इनके क्वेश्चन को अप्रोच क्या होती है आइए स्टार्ट करते हैं जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है एक्सप्रेस बुलियन फंक्शन दिस एक फंक्शन है जिसमें तीन वेरिएबल्स गिवन है और उसको सिर्फ x प्लस वाई डैश जेड लिखा हुआ मतलब x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट जेड और हमें उसको सम ऑफ मिन टर्म्स में एक्सप्रेस करना है ओके अब देखिए हमारे को सबसे पहले बेसिकली करना क्या है आप गैस करिए सम ऑफ मिन टर्म्स क्या होता है मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया गैस करिए सम ऑफ मिन टर्म्स क्या होता है या यू आर राइट इट इज डीएनएफ ओके अब डीएनएफ में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें बेसिकली क्या करना है सबसे पहली अप्रोच हमारे पास क्या होनी चाहिए कि तीन वेरिएबल्स हैं तो हर टर्म में तीन वेरिएबल होने चाहिए मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में तो अगर तीन वेरिएबल्स का होता है एक्सप्रेशन तो उसमें हर टर्म में तीनों वेरिएबल इंक्लूड होते हैं एक एक बार ओके कोई भी मैंने आपको जब पूरी सीरीज दिखाई थी उसमें नहीं था कहीं भी जिसमें दो टर्म में सिंगल टर्म आ रही हो तीन वेरिएबल है तो हर टर्म में तीनों वेरिएबल इंक्लूड होते हैं चाहे वो ट्रू फॉर्म में हो चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिकली सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे को करना क्या है सबसे पहले हमारे को जैसे एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड ये गिवन है इसको हमें बेसिकली कन्वर्ट करना है डीएनएफ में ठीक है डीएनएफ मतलब सम ऑफ मिन टर्म्स मतलब हमें इसको बेसिकली सम ऑफ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है ओके अब देखो सम ऑफ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है आप इसको ऑब्जर्व करो इस वाली टर्म में वैसे तो प्रोडक्ट है लेकिन सिर्फ एक एक्स मिसिंग है ओके और इस वाली टर्म में वाई और जेड दोनों की टर्म मिसिंग है अब अगर आप ध्यान से देखिए सबसे पहले अगर मैं एक्स को यहां लिखूं और मैं x को इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं ये देखिए x y प्लस y कॉम्प्लीमेंट कोई इश्यू होगा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो क्योंकि हमें पता है हमने लॉज में पढ़ा हुआ है अगर हम किसी नंबर में उसको कॉम्प्लीमेंट ऐड करते हैं तो 1 आता है एंड एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द सेम नंबर ओके कोई इश्यू नहीं है मैंने इसको ऐसे लिख दिया ठीक है तो यहां पर क्या आया ये आया एक्स वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट अब यहाँ पे सिंगल टर्म थी अभी दो टर्म हो चुकी है ठीक है मतलब दोनों में एक्स वाई हो चुका है अब मिसिंग क्या बचा है एक्स को हमने ये लिख दिया लेकिन अभी भी इसमें जेड की टर्म मिसिंग है दोनों में ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम दोनों के साथ ये लिख देंगे देखिए एक्स वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट है ना इसको हम लिख देंगे एक्स वाई जेड प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट Z प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट कोई इश्यू है देखो आप खुद देखो कोई दिक्कत होगी आप एक बार खुद इसको सोच के देखिए यहाँ पे नंबर प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट अगर एक नंबर में उसका कॉम्प्लीमेंट ऐड होगा तो सेम नंबर आ जाएगा ओके सेम नंबर आ गया अब उस नंबर में हम वन मल्टीप्लाई कर देंगे अगर तो सेम नंबर रहेगा एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय वन इज सेम नंबर सो एक्स वाई ही आएगा और इसको भी ऐसे कर दिया अब ये इसको हम आगे और ज्यादा अपना चेंज कर देते हैं तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट अब देखो ये सारी तो हो चुकी है टर्म्स ठीक है सारी टर्म्स में तीनों टर्म तीनों वेरिएबल्स इंक्लूडेड है कोई ऐसी टर्म नहीं जिसमें ना हो ओके अब इधर हमारे पे क्या है वाई डैश और जेड इसमें एक्स मिसिंग है तो हम क्या करेंगे वाई डैश और जेड है ना इसको हम लिख देंगे वाई डैश जेड एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट कोई इशू है नहीं तो ये क्या आया वाई कॉम्प्लीमेंट जेड एक्स प्लस एक्स डैश वाई डैश जेड देखो कितनी इजीली हो गया अब एक टर्म हमारी ये आई एक टर्म हमारी ये आई इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे को जो निकालना था हमारा आ जाएगा आंसर तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्या आया हमारा एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड डैश प्लस एक्स वाई डैश जेड प्लस एक्स वाई डैश जेड डैश ठीक है अब देखो ये वाली जो टर्म है ये सेम यही वाली टर्म है तो हम इसको रिपीट नहीं लिखेंगे जो ये वाली टर्म है इसको हम यहां लिख लेंगे प्लस एक्स डैश वाई डैश एंड जेड देखो कितनी इजीली हमने इसे सम ऑफ मिन टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया और हम शॉर्ट में बोले तो डीएनएफ में कन्वर्ट कर दिया गिवन एक्सप्रेशन को ओके बहुत इजी था कोई
प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसको एक गिवन क्वेश्चन को हम उसको प्रोडक्ट ऑफ मिन टर्म्स में या मैक्स टर्म में चेंज करेंगे, यानी सीएनएफ में। अगर एक गिवन क्वेश्चन है उसको सीएनएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत इजी था। अगर हमें सिंपल अगर हमें डीएनएफ में कन्वर्ट करना है तो इसमें वाई प्लस वाई डैश या जो भी टर्म मिसिंग हो उसको मल्टीप्लाई कर दो, इधर वाई प्लस वाई डैश को मल्टीप्लाई कर दो गिवन टर्म के साथ। आई थिंक ये बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। ओके, सो गाइज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, एक बार आप इसको फिर से रिपीट करके देखिएगा, आपको और अच्छे समझ आएगा। अगर नहीं आया समझ में तो ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज।